सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 सिमुलेटर गेम्स फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस। आज के सभी गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सिमुलेटर गेम खेलना काफ़ी पसंद है। तो गेम को एक बार से ज़रूर से चेकआउट कर लेना। मैंने सभी के सभी गेम को अलग अलग कैटेगरी के रखने की कोशिश की है, और जो हमारी लिस्ट नंबर फर्स्ट पर गेम आएगा वो काफ़ी ज़बरदस्त है, एक बार उस गेम को ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। तो चलिए फिर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट नंबर फिफ्थ पर जो गेम निकल कर आता है, उस गेम का नेम है स्पोर्ट कार 3 टैक्सी एंड पुलिस। गेम का साइज 189 MB है, जिसे काफ़ी बढ़िया है। आप इस गेम के अंदर हमको काफ़ी बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया मिल जाता है। और बात करें मोड की तो हमको इसमें काफ़ी ज़्यादा मोड मिल जाते हैं, रेसिंग मोड, ड्रिफ्ट मोड, ड्राइविंग मोड, काफ़ी मोड मिल जाते हैं। और इस गेम के अंदर आप अपने हिसाब से वेदर को भी सेट कर सकते हो, रेनी वेदर, डे, नाइट, स्नो, आप कुछ भी कर सकते हो। और बात की जाए इसमें ग्राफिक्स क्वालिटी की, तो उसकी ग्राफिक्स हमको काफ़ी हाई मिल जाती है, जिसके साथ हमको कोई शिकायत नहीं मिलती है। और मुझे इस गेम में सबसे अच्छी बात लगी है कि इस गेम के अंदर हम अपनी कार के डोर, बोनेट सब कुछ ओपन कर सकते हैं, यहाँ तक कि डिग्गी भी ओपन कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बात है, आपको गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर बात की जाए कैमरा एंगल की, तो इस गेम के अंदर हमको कैमरा एंगल काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिनके साथ खेलने में मज़ा आता है। तो गेम ओवरऑल काफ़ी बढ़िया। अगर आपको कार चलाना पसंद है तो आप इस गेम को एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना, गेम काफ़ी बढ़िया है। और चलिए बढ़ते हमारे अगले गेम की तरफ। हमारी लिस्ट नंबर फोर्थ पर गेम निकल कर आता है, उस गेम का नेम है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 2। अगर आपको ट्रक गेम खेलना पसंद है, ट्रक चलाना पसंद है, तो ये गेम आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस गेम के अंदर हमको पीसी ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। और अगर बात की जाए इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज ओनली 46 MB है। तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बस इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इस गेम की हमको ब्राइटनेस जो है थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप मैनेज कर लेना, इतनी कम साइज में इतना अच्छा गेम तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये प्रोवाइड कर देता है। अगर बात की जाए ग्राफिक्स की, तो इस गेम के अंदर हमको ग्राफिक्स काफ़ी हाई मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो गेम ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, गेम का साइज भी ओनली 46 MB है। इस गेम को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। हाँ, और मैं जितने भी आज गेम आपको बताऊंगा, सभी की गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हमारे अगले गेम की तरफ। हमारी लिस्ट में थर्ड पर गेम निकल कर आता है, वो गेम है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया। गेम काफ़ी ज़बरदस्त है, गेम का साइज 293 MB है, और इस गेम को आप आसानी से डाउनलोड भी करा सकते हो। अगर बात की जाए इस गेम की ग्राफिक्स की, तो यह गेम हमको काफ़ी बढ़िया से ग्राफिक्स ऑफर कर देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और इस गेम के अंदर हमको क्या करना होता है कि पैसेंजर को एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड तक छोड़ना होता है, और पैसेंजर भी काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से चढ़ते हैं बस के अंदर, जिसे देखने में हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर बात की जाए इस गेम की साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इस गेम के अंदर हमको रियलिस्टिक मिल जाती है। बस गेम के अंदर ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक बार इस गेम को ट्राई ज़रूर से कर लेना। और अगर बात की जाए इस गेम में मिलने वाले मोड की, तो इस गेम में हमको दो प्रकार के मोड मिल जाते हैं, फ्री मोड, कैरियर मोड, और मल्टीप्लेयर मोड भी यह सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों मुझे इस गेम के अंदर सबसे अच्छी बात यह लगी है कि इस गेम के अंदर हम किसी भी कार या बस या ट्रक का मोड भी ऐड कर सकते हैं, और उसको फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है। एक बार इस गेम को चेकआउट जरूर से कर लेना, गेम का साइज 293 MB है, काफ़ी बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। हमारी लिस्ट नंबर 2 पर जो गेम निकल कर आता है, उस गेम का नाम है वर्ल्ड ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर। गेम काफ़ी ज़बरदस्त है, ट्रक सिमुलेटर गेम्स का काफ़ी पॉपुलर गेम है एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, ये गेम आपके लिए ही होने वाला है। अगर आपके पास 3 से 4 GB रैम वाला मोबाइल है, तो ये गेम आपके मोबाइल में काफ़ी स्मूथली चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर बात की जाए इस गेम में मिलने वाली ट्रक्स की, तो इस गेम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रक मिल जाते हैं, अमेरिकन डिज़ाइन और इंडियन डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा ट्रक मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेम के अंदर हम ट्रक की अपनी स्किन भी ऐड कर सकते हैं, और इस गेम के अंदर आप ट्रक को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस गेम के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड ड्राइव करने के लिए मिल जाते हैं, हाईवे भी मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोड्स मिल जाते हैं ड्राइव करने के लिए, जहाँ पर आपको ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है इस गेम के अंदर कि हमको ट्रेनर की भी स्किन लगा सकते हैं, हम अपने हिसाब से कोई भी स्किन डालू कर इस गेम के अंदर लगा सकते हैं। पर्सनली इस गेम को मैंने काफ़ी ज़्यादा खेला है, अगर आपको भी खेलना है तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, गेम का साइज बहुत कम है। तो हमारी लिस्ट नंबर फर्स्ट पर जो गेम निकल कर आता है उस गेम का नाम है ट्रेन सिमुलेटर 3। अगर बात की जाए गेम के साइज की तो गेम का साइज 2.18 GB है, तो गेम का साइज तो काफ़ी ज़्यादा है। इस गेम को डाउनलोड कराने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट खर्च करना होगा, लेकिन गेम को खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इस गेम के अंदर हमको ओल्ड ट्रेन और न्यू ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन सभी प्रकार के ट्रेन ड्राइव करने के लिए मिल जाती हैं। और इस गेम के अंदर हमको सिटी, काफ़ी प्रकार की सिटी मिल जाती है, यहाँ पर हमको ड्राइव करना होता है, अपनी ट्रेन को चलाना होता है। अगर आपको ट्रेन चलाना पसंद है तो इस गेम को आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। गेम का साइज़ हालांकि थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात करें इस गेम की ग्राफिक्स की तो यह गेम हमको ग्राफिक जो काफ़ी बढ़िया ऑफर कर देता है, गेम को ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। और दोस्तों आप लोग चाहते हो कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।